दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसी फ्रेंचाइजी लेके आया हूँ, आप एक ऐसा शोरूम खोलने वाले हैं आपके कंपटीटर टिक ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप जो कस्टमर को डिस्काउंट देने वाले हैं, ये डिस्काउंट देना उनकी बस की बात ही नहीं है। यानी कि इस बिजनेस का कंपटीशन बिल्कुल ही खत्म। ये जो बिजनेस होने वाला है दोस्तों, मोनोपोली का आने वाला है। अपने एरिया में आप ही राज करने वाले हैं। आजकल की न्यू जनरेशन यही चाहती है कि उन्हें ब्रांडेड माल मिले 100% जेन्युइन, वो भी अप टू 90% डिस्काउंट के साथ। यही आप न्यू जनरेशन को प्रोवाइड करवाने वाले हैं। कंपनी यह दावा करते हैं कि यदि आप ये शोरूम खोल लेते हैं तो आप डेली की जो आपकी सेल होगी 50 से 60 हजार रुपए। जी हाँ दोस्तों, और इस 50 से 60 हजार के पीछे आपका कितना प्रॉफिट मार्जिन होने वाला है, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों पहली बार आपके लिए एक ऐसी फ्रेंचाइजी लेकर आया हूं जहां पर कंपनी आपको आपकी इन्वेस्टमेंट पर 50% एश्योर्ड गारंटीड आपको रिटर्न देती है। सर हमारा कंपनी ब्रांड वाला राजस्थान भीलवाड़ा पे लोकेटेड है और हम बेसिकली मल्टी ब्रांड डिस्काउंटेड स्टोर की फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पैन इंडिया। ऑलरेडी हम 6-7 आउटलेट रन कर रहे हैं और हमने 10 आउटलेट हमने ऑल ओवर इंडिया प्लानिंग दे रखी है। सर जो प्रॉफिट मार्जिन हम फ्रेंचाइजर्स को क्लेम करते हैं वो है 30% से लेकर 150% तक। एस प्रोडक्ट रेंज बहुत बड़ी है तो हर प्रोडक्ट रेंज पे अलग मार्जिन है, बट एवरेज मार्जिन की बात करें तो 60-70% का प्रोडक्ट मार्जिन आपको इजीली मिल सकता है। तो आफ्टर सेल सपोर्ट किस तरीके से करेंगे आप? सर आफ्टर सेल सपोर्ट की बात आती है तो उसमें हम कस्टमर रिटेंशन की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और इसके अलावा मार्केटिंग के अंदर, सेल्स के अंदर सपोर्ट हम प्रोवाइड करते हैं। मार्केटिंग में बात करें तो ऑनलाइन, ऑफलाइन, डिजिटल, पैम्पलेट्स, फ्लायर्स और होर्डिंग्स, न्यूज़पेपर मीडिया, ग्राफिक मीडिया, ऑनलाइन मीडिया, इस तरीके के हम काफ़ी तरीके के प्रमोशन स्ट्रेटजीज हम प्रोवाइड करते हैं। कस्टमर रिटेंशन के लिए हम गिफ्ट वाउचर्स वगैरह, इस तरीके की हम स्ट्रेटजीज प्रोवाइड करते हैं। ब्रांडिंग मटेरियल हम प्रोवाइड करते हैं। ब्रांडिंग मटेरियल की हम बात करें तो उसमें कैरी बैग्स हो गए और केसेस हो गए, कवर्स हो गए, इस तरीके के काफ़ी ब्रांडिंग मटेरियल हम प्रोवाइड करते हैं। और सीजनल डिस्काउंट जो हम लगाते हैं उसके अंदर हम पूरी सेल स्ट्रेटजी प्रोवाइड करते हैं फ्रेंचाइजी को। सर मार्केट में बहुत सारा कंपटीशन है तो किस तरीके से हम मार्केट में कम्पीट करेंगे सर? सर ये मैं मानता हूँ ये एक मोनोपोली बेस्ड बिजनेस है। मैं इसको मोनोपोली बेस्ड बिजनेस इसलिए कहता हूँ क्योंकि इसके अंदर आपके जो जिस भी सिटी के अंदर आप ये स्टार्ट करना चाहते हो उस सिटी के अंदर आप ये देखोगे कि इस तरीके का कोई भी आउटलेट प्रेजेंट नहीं है। इस सिंगल सिटी के अंदर आप इजीली मोनोपोली के अंदर आप ये बिजनेस कर सकते हो और सिर्फ आपका जो आउटलेट है वही इतनी बड़ी रेंज कैटेगरी प्रोवाइड कर रहा होगा और इतनी डिस्काउंट, ह्यूज डिस्काउंट जो है कस्टमर को ऑफर कर रहा होगा। तो हमारी सबसे बड़ी यूएसपी यही है कि हम कस्टमर्स को की तरफ बहुत सेंट्रिक हैं, काफ़ी डिस्काउंट ऑफर करते हैं, काफ़ी सर्विसेज ऑफर करते हैं कस्टमर्स के लिए, तो ये सबसे बड़ी हमारी यूएसपी है। जैसे कि आपने बहुत सारे मल्टी ब्रांड का आपने हमारे व्यूअर्स को बताया, तो किसी ब्रांड को किसी से कुछ प्रॉब्लम होगी, कोई इंटरप्ट तो नहीं होगा किसी तरह का? सर ऐसा कोई ऑब्जेक्शन हमारे पास कंपनी से रेज नहीं होता क्योंकि कंपनी के डायरेक्ट लिक्विडेशन से हमारे पास कंपनी से स्टॉक आता है और कोई भी जो स्टॉक है वो डायरेक्ट कंपनी के मार्फत आता है, तो हम किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन कंपनी रेज नहीं कर सकती। हम ऑलरेडी इस लाइन के अंदर 7.5 साल हो गए और इस तरीके का हमारे पास कोई भी ब्रांड का कोई भी ऑब्जेक्शन, लीगल नोटिस आज तक नहीं है। तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में, मतलब कहाँ, किस किस स्टेट में आपके जो आउटलेट है वो खुले हुए हैं और क्या आप मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया में फ्रेंचाइजी बना रहे हैं? सर हमने ये जो है हमारा जो ब्रांड है ब्रांड वाला, उसके हमने महाराष्ट्र में हमने काफ़ी आउटलेट दिए हैं, एमपी हमने काफ़ी आउटलेट दिए हैं, पंजाब हमारे 3-4 आउटलेट अभी हमने प्लान किए हैं। उसके अलावा हम राजस्थान के अंदर काफ़ी साल से राजस्थान में वर्कआउट करें, राजस्थान के अंदर हमने अच्छा ग्रिप ले रखा है। उसके अलावा हमारे पास ऑल ओवर इंडिया से, पंजाब हो गया, चाहे हरियाणा हो गया, उड़ीसा हो गया, साउथ हो गया, आसाम हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गया, यहाँ से हमारे पास इन्वेंट्री के लिए कॉल्स आते हैं, यहाँ हमारी इन्वेंट्री जाती है, एग्जिस्टिंग आउटलेट्स जो हैं उन पर हम इन्वेंट्री देते हैं। तो सर यहाँ पर आने के लिए फिजिकली तो कैसे आना होगा, वाया ट्रांसपोर्ट? सर यहाँ पे आने के जैसे हमारे पास मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, एक तो फ्लाइट से आप आ सकते हो, तो नियर बाय एयरपोर्ट मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, एक किशनगढ़ नियर बाय एयरपोर्ट है, उदयपुर नियर बाय एयरपोर्ट है और जयपुर नियर बाय एयरपोर्ट है। उसके अलावा जो रेलवेज़ के अगर ट्रांसपोर्ट की बात करूँ तो रेलवेज़ के अंदर अजमेर जंक्शन है, कोटा जंक्शन है और जयपुर एक नियर बाय जंक्शन है। हमारे व्यूअर्स को एक बार फिर से अपने ब्रांड बता दीजिए कि कौन कौन से ब्रांड आप लोगों को प्रोवाइड करवाने वाले हैं। ब्रांड्स की अगर हम बात करें तो एडिडास, नाइकी, प्यूमा, रीबॉक, स्केचर्स, एसिक्स, वैंस, कॉन्वर्स, हश पीपीस, बाटा, लोटो, लुइस फिलिप, पीटर इंग्लैंड, वैन हुसैन, रेमंड, पार्क एवेन्यू, पार्क्स, ली, व्रेंगलर, स्पाइकर, लिवाइस, मोंटे कार्लो, डब्ल्यू, बीबा, ऑरिलिया, रंगरीति, सोच, इस तरीके की न्यूमरस ऑफ ब्रांड्स हमारे पास।
तो हमारे जो फ्रेंचाइजी होंगे तो क्या कस्टमर को कोई मतलब कोई गारंटी वारंटी भी प्रोवाइड करवा सकते हैं शूज़ वगैरह की? जी, कस्टमर्स जो हैं उनको हम इजीली एक अच्छा सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे ऑनलाइन जो सर्विसेज प्रोवाइड होती है, एक्सचेंज पॉलिसी हम प्रोवाइड करते हैं, उसके अलावा रिटर्न पॉलिसी प्रोवाइड करते हैं, और कस्टमर को हम जो है डैमेज प्रोटेक्शन भी देते हैं जो हम एक लिमिटेड पीरियड के देते हैं, बट हम कस्टमर को के तरफ काफ़ी सेंट्रिक सोच के हम उनको डिज़ाइन कर रखा है हमारा मॉडल। तो सर हर फ्रेंचाइजी रॉयल्टी और अपना कमीशन वगैरह चार्ज करती है, तो आप भी ऐसा कुछ करने वाले हैं? सर हमने फर्स्ट फाइव फ्रेंचाइजीज के लिए हमने नो फ्रेंचाइजी फीस और नो रॉयल्टी और नो कमीशन पे हम वर्कआउट कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट फ्रेंचाइजी हमें अप्रोच करती है और जिनको हमने जो अजीत जी के चैनल से आती है उनको हम फ्रेंचाइजी फीस भी हमने माफ़ कर रखी है, उनकी नो रॉयल्टी और नो कमीशन पे हम वर्कआउट करेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, आपको हमारे इसी वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके इनको प्रूफ के तौर पे भेजना होगा, तभी आपको इनको कंफर्म होगा कि हाँ अजीत जी की वीडियो आपने देखी है। तो क्या है कि पहले आओ और पहले पाओ। तो सर जिनकी एग्जिस्टिंग शॉप है जो ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं जैसे मतलब शूज़ की कैटेगरी में या फिर जींस की, तो अगर वो आपसे फ्रेंचाइजी ना लेकर के डायरेक्ट स्टॉक अगर लेना चाहे तो वो फैसिलिटी भी अवेलेबल है? हाँ सर, हम B2B जो हम आपको बताया चैनल्स के मार्फत हम इन्वेंट्री जो है हम सर्कुलेट करते हैं, तो जो रिटेलर्स हैं जिनको लगता है हमसे स्टॉक लेना चाहिए आप हमें गिवे नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और उन नंबर पर आप हमसे पूरी इंक्वायरी ले सकते हो, हम आपको हर एक चीज़ ढंग से बता देंगे किस तरीके से आप प्रोक्योरमेंट कर सकते हो हमसे। एडिडास, नाइकी, प्यूमा, रीबॉक, स्केचर्स, A6, वैंस, कॉन्वर्स, हर्ष पपीस, बाटा, लोटो, पीटर इंग्लैंड, वैन हुसैन, एलन सोली, पार्क एवेन्यू, रेमंड, इस तरीके की न्यूमरस ऑफ ब्रांड्स हमारे पास में आपको अवेलेबल मिल जाएगी, चाहे वो फुटवेयर हो, चाहे वो अपैरल्स हो, चाहे वो कोई सी भी कैटेगरी हो। ये है रीबॉक का क्लाउड फोम आर्टिकल, मेमोरी फोम आर्टिकल, जो करीब 5,000 MRP का हमारे आउटलेट पे 1,500 रुपये में कस्टमर को अवेलेबल हो जाएगा। ये आपको कस्टमर की रेट में आप मेंशन कर रहा हूँ। UCB यूनाइटेड कलर ऑफ बैरेटन की हार्ड टॉप की ट्रॉली है, करीब 8,999 की MRP है इसकी, और यही हम कस्टमर को करीब 2600 रुपये में रिटेल कर देंगे। ये रेक्टिव ब्रांड का बिल्कुल लाइट वेट जूता, ग्रेविटी 360 सीरीज का 6,500 का जूता मात्र 1,650 रुपये में कस्टमर को रिटेल करना है। इसके अंदर लिवाइस जो है उसकी ब्रांड के हमारे पास डेनिम है, करीब 4,300 की MRP की डेनिम, ये हम कस्टमर को 1,150 रुपये में रिटेल करेंगे। ये नाइकी ब्रांड के अंदर फ्लेक्स सीरीज का अगेन 2022 का आर्टिकल 6,900 की MRP का आपको कस्टमर को मात्र 1,650 रुपये में रिटेल करना है। ये नाइकी ब्रांड का फ्लेक्स सीरीज का करीब 13,000 के MRP का जूता आपको 3,500 रुपये में कस्टमर को रिटेल करना है। और पीटर इंग्लैंड ब्रांड की हमारे पास 799 MRP की टी शर्ट है जो आपको कस्टमर को 300 रुपये में रिटेल करनी है। ये A6 ब्रांड की तरफ से एक और ज़बरदस्त आर्टिकल 7,000 की MRP का मात्र कस्टमर को 2100 रुपये में आपको रिटेल करना है। ये अंडर आर्मर ब्रांड का शॉर्ट्स मेरे पास अवेलेबल है, करीब 3,000-3,500 की MRP का शॉर्ट्स आपको कस्टमर को 600 रुपये में रिटेल करना है। एडिडास ब्रांड का स्टैन स्मिथ सीरीज का फ्रेश आर्टिकल करीब 9,000 MRP का आपको कस्टमर को 2,200 रुपये में रिटेल करना है। ये ब्लैकबेरी ब्रांड के अंदर वेलवेट के अंदर बिल्कुल शाइनिंग वाला ब्लेजर है हमारे पास, और ये करीब MRP 10,000 की MRP का ब्लेजर आपको कस्टमर को 2,500 रुपये में रिटेल करना है। ये A6 के अंदर जेल जीरीज सीरीज का सबसे प्रीमियम आर्टिकल 13,000 का मात्र कस्टमर को सिर्फ 3,600 रुपये में आपको रिटेल करना है। ये 2,799 की MRP का लोअर है और ये करीब आपको कस्टमर को 750 रुपये में रिटेल करना है। ये नाइकी ब्रांड के अंदर एयर मैक्स सीरीज का 13,000 का जूता करीब आपको 3,800 रुपये में कस्टमर को रिटेल करना है। ये डब्ल्यू ब्रांड के अंदर हमारे पास 3-piece सेट अवेलेबल है, 8,000 की MRP का ये प्रोडक्ट आपको कस्टमर को 1,600 रुपये में रिटेल करना है। ये नाइकी का फैंटम सीरीज का लेटेस्ट फ्रेश आर्टिकल 6,900 की MRP का जूता आपको कस्टमर को 1,650 रुपये में रिटेल करना है। ये नाइकी ब्रांड की टी शर्ट आपको दिखाना जा रहा हूँ जो हर कलर साइज़ में अपने पास अवेलेबल है, और करीब 3,000 की MRP की टी शर्ट आपको कस्टमर को 750 रुपये में रिटेल करनी है। ये A6 का जेल फोम आर्टिकल 2022 का आर्टिकल 6,500 की MRP का आपको कस्टमर को 2,000 रुपये में रिटेल करना है। ये लावी ब्रांड का स्कूल बैग है हमारे पास जो बिल्कुल फ्रेश प्रोडक्ट करीब विद वारंटी और 3,000 की MRP का प्रोडक्ट आपको कस्टमर को डिस्काउंट के बाद 900 रुपये में रिटेल करना है। ये बाटा ब्रांड के अंदर 1,499 की MRP का प्रोडक्ट आपको 650 रुपये में बेचना है। ये एक और स्पोर्ट्स शॉर्ट्स एडिडास के अंदर 3,000 की MRP का शॉर्ट्स आपको कस्टमर को
450 में रिटेल करना। ये रेड टेप ब्रांड का 6600 का MRP का प्रोडक्ट लेदर के अंदर आपको कस्टमर को 1650 में रिटेल करना। ये वेनुसिन ब्रांड के अंदर 7,750 की MRP का ब्लेजर आपको कस्टमर को 2250 में रिटेल करना। ये एडिडास का ऑर्थोलाइट सीरीज का 5600 का MRP का जूता आपको कस्टमर को 1750 में रिटेल करना। नाइकी डाउन शिफ्टर आपको ये करीब 4695 की MRP का जूता कस्टमर को 1600 में रिटेल करना है। ये एडिडास ब्रांड के अंदर हमारे पास स्पोर्ट्स के अंदर शॉर्ट्स अवेलेबल है, करीब इसकी MRP 2500 की आपको 450 में कस्टमर को रिटेल करना है। ये बाटा की बेलीस जो आप करीब 799 की MRP की है, यही बेली आपको कस्टमर को 300 में रिटेल करनी है। ये UCB ब्रांड की टी शर्ट, कॉलर टी शर्ट समर के हिसाब से ब्राइट कलर और करीब 2500 की MRP की टी शर्ट आपको कस्टमर को 450 में रिटेल करनी है। ये क्रॉक्स की हाई बेलीस जो करीब 3500 की MRP की है, आपको कस्टमर को 1500 में रिटेल करनी है। ये स्केचर्स का मेमोरी फोम बेलीस आपको कस्टमर को 1500 में बेचना है, जिसकी MRP 5000 है। जैसा कि सर ऑथेंटिकेशन के लिए आपने एक्सपेक्ट किया था कि क्या सेल आपको दिखा रहे हैं, तो मैं आपको ये हमारा बिलिंग सिस्टम दिखा देता हूँ। 13 अप्रैल की ये 2022 की ये क्लिप है और ये मैं आपको सामने दिखा देता हूँ। तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो ये बिलिंग आ रही है 53128 यानी 53128। तो इस तरीके से हम जो है सॉफ्टवेयर हमारा मेंटेन करते हैं और बिलिंग हमारी इस तरीके से हम शो करते हैं। चाहे जींस में डील करना चाहें, चाहे शूज़ की कैटेगरी में जाना चाहें, चाहे ट्रेवल बैग में आप डील करना चाहें, मतलब हर तरह की आपको जो कैटेगरीज है यहाँ पर मिलने वाली है। तो इस तरीके से आप कंपनी से जुड़ सकते हैं और फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। फ्रेंचाइजी का कोर्स कितने होने वाला है, आप कैसे प्रोवाइड करवाने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अजीत बिजनेस आइडियाज़ में। सबसे पहले तो आप सर ये बताइए कि जो फ्रेंचाइजी आउटलेट खुलेंगे, क्या उनको अपने ब्रांड से रखना पड़ेगा या फिर उसका मतलब क्या ब्रांड होने वाला है? सर जो फ्रेंचाइजी आउटलेट हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो ब्रांड वाला के नाम से ही ओपन होंगे, और दूसरा जो आउटलेट रन करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ हमारे ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ब्रांड वाला के नाम अंडर ही रजिस्टर्ड होंगे और वही इसी के अंडर वर्कआउट करेंगे। 15 लाख का इन्वेस्टमेंट जो हमारा बेस मॉडल है वो है हमारा 15 लाख का, और दूसरा जो हमारा मॉडल है वो करीब 25 से 35 लाख का मॉडल है। तो फ्रेंचाइजी के पास ऑप्शन है, 15 लाख वाला मॉडल ऑप्ट कर सकती है या 25 से 35 लाख वाले बेस मॉडल एक्सेप्ट कर सकती है। तो सर 15 लाख में मतलब क्या क्या प्रोवाइड करवाने वाले हैं, क्या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर कुछ और सपोर्ट भी साथ में मिलने वाला है और स्टॉक भी मिलने वाला है, क्या क्या मिलेगा उसके अंदर? सर 15 लाख वाला जो हमारा मॉडल है उसके अंदर हम जो हमारा फ्रेंचाइजी है उनको करीब 60 लाख की MRP का स्टॉक हम प्रोवाइड करने वाले हैं। उसके अंदर कपड़ा और जूता यानी अपैरल्स एंड फुटवेयर बोथ कैटेगरीज, और बात करें जेंडर इक्वलेशन का तो उसके अंदर हम मेंस वुमेंस किड्स तीनों सेगमेंट हम केटर करने वाले हैं। तो अगर स्टॉक की इन्वेंट्री किस तरीके से होगी, रिपीटेड ऑर्डर किस तरीके से मिलेगा हमारे व्यूवर्स को? सर रिपीट ऑर्डर जैसे ही इन्वेंट्री का फ्रेंचाइजी की लिक्विडेट होती है, फ्रेंचाइजी हमें नेक्स्ट ऑर्डर पंच कर सकती है। वो ऑर्डर मिनिमम 2.5 लाख से लेकर 3 लाख के हम एक्सपेक्ट करते हैं, और उस ऑर्डर के अंदर हम वापस नया कंपोजिशन बना के, नई इन्वेंट्री बना के, नया असॉर्टमेंट बना के फ्रेंचाइजी को डिलीवर कराते हैं वाया लॉजिस्टिक्स। मिनिमम एरिया क्या स्पेसिफिक है? सर जो हमारा बेस मॉडल है 15 लाख वाला, उसमें हम करीब 800 से लेकर 1200 स्क्वायर फीट एक्सपेक्ट करते हैं, और जो करीब हमारा रेगुलर मॉडल है उसमें हम 1600 से लेकर 2500 स्क्वायर फीट एक्सपेक्ट करते हैं। तो इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना होने वाला है? तो दोस्तों इनसे कॉन्टैक्ट करने के लिए इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल लोकेशन का मैं मैप डाल दूंगा, यहाँ पे इसी तरीके से आप पहुँच सकते हैं। और यहाँ पर यदि आप आना चाहते हैं तो राजस्थान में भिलवाड़ा में सर ने आपको एड्रेस तो बता दिया है, तो इसी तरीके से यहाँ पर आप पहुँच सकते हैं। तो यदि आप बिल्कुल नए हैं हमारे व्यूवर्स, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस तरह की और वीडियो चाहते हो और आप चाहते हैं कि किसी और को ये वीडियो मिल पाए और अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाए, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर किसी बिजनेस क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।